हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आज फिर आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे एनआईएसडी अलर्ट 511.3 एसपीए में कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम। इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्कूल के कार्यक्रमों के लिए योगदान। तो फ्रंट पेज आपके सामने है, आप इसको कुछ इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षा प्रशिक्षक का नाम, नामांकन संख्या, अध्ययन केंद्र का नाम और विद्यालय का नाम। आपके सामने एक पेज है हेल्पिंग आइडियाज का। यहाँ पे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, एसपीएस सॉल्व इन हिंदी कोर्स 511। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो तो मैं आपके लिए स्पेशली यहाँ पर बना रहा हूँ, नया 511.3 का नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, बात करते हैं हम मॉर्निंग स्कूल असेंबली का आयोजन। टाइम पे जो स्कूल असेंबली होता है उसको किस प्रकार, उसमें प्रारंभिक गतिविधियां होती है उसका वर्णन लिखना हमको यहाँ पर। सुबह की प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार होता है, प्रार्थना सभा का उद्देश्य क्या होता है वो बताएंगे यहाँ पर। कक्षावार सभा की व्यवस्था किस प्रकार की गई, अनुशासन का रख रखाव किस प्रकार किया गया। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इन पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा लिखना है, संक्षेप में लिखना है। आयोजित कार्यक्रम गतिविधियों की सूची, आपने सुबह सुबह क्या किया था, जैसे हमने योग ध्यान किया था, प्रातः स्मरण किया था, सरस्वती वंदना, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, समाचार वादन, सुविचार, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, राष्ट्रगान, प्रकार की जो भी हमने एक्टिविटी की थी वो हमने यहाँ पर लिख रखी है। गतिविधि सभा का संचालन करने की क्या प्रक्रिया है, उसमें हम बताएंगे संचार कौशल किस प्रकार था। स्कूलों में हम देखते हैं कि हर कक्षा में, किसी कक्षा में बहुत ज्यादा विद्यार्थी होते हैं तो लंबी सी लाइन बन जाती है, और जो लास्ट का विद्यार्थी होता है, पंक्ति में जो लास्ट में खड़ा होता है, वो प्रॉब्लम होती है, साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा होता है या आधा अधूरा सुन पाता हो, तो उसके लिए हमने स्कूल में क्या व्यवस्था कर रखी होती है वो बताएंगे, जैसे लाउड स्पीकर या माइक का प्रयोग करते हैं। भाषा स्पष्टता, स्पीकर की तैयारी, श्रोताओं का ध्यान रखने के लिए किए गए उपाय, ये सब बिंदी बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसके बारे में देख सकते हैं। गतिविधियों के दौरान हुई समस्या, प्रार्थना सभा के समय जो भी समस्या उत्पन्न हुई थी उसको हम यहाँ बताएंगे, लिए हमने क्या समाधान किया वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। स्कूल के वातावरण पर गतिविधि का क्या प्रभाव पड़ा, प्रातः सभा का क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम यहाँ पर बताएंगे, और इस प्रकार हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार फिर दूसरा पार्ट है पीटीए, एमटीए या एसएमसी की मीटिंग के बारे में रिपोर्टिंग, किस प्रकार वो मीटिंग्स होती हैं, वो उसकी गतिविधियां के बारे में लिखेंगे, उसका मीटिंग का क्या उद्देश्य था, जो भी मीटिंग हुई उसका क्या उद्देश्य था, बैठक का आयोजन करने के लिए क्या हमने कदम उठाए थे, आयोजित करने की प्रक्रिया क्या थी, मीटिंग आयोजित करने के लिए समस्याएं सामने आई वो बताएंगे, क्या समस्या आई, समस्या से संबंधित समाधान की कल्पना की गई, स्कूल के पर्यावरण पर बैठक का प्रभाव। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये पेजेस दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ के एक आइडिया ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपके स्कूल से मिलता जुलता होना चाहिए या आपके स्कूल में ये मैच करना चाहिए, या आप हो सकता या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें अपने थॉट से अपने शब्दों को डाल के थोड़ा सा बदल सकते हैं। सामाजिक राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन किस प्रकार किया गया, स्कूलों में इसकी गतिविधि किस प्रकार थी, या त्यौहार के आयोजन के उद्देश्य क्या थे, त्योहारों के आयोजन के लिए क्या आपने कदम उठाए, स्कूल में त्यौहार आयोजित करने की क्या प्रक्रिया थी, त्योहारों के आयोजन के लिए इसमें क्या समस्याएं सामने आई और उसका आपने क्या समाधान किया, और लास्ट पॉइंट है कि स्कूल के वातावरण पर इन त्योहार का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तीसरा चौथा पॉइंट है विद्यालय के वार्षिक दिन या वार्षिक खेल या दिन का आयोजन। तो वार्षिक खेल, वार्षिक दिन आयोजित करने के लिए इस तैयारी गतिविधियों का विवरण लिखना, किस प्रकार हमने वहाँ पर तैयारी की, फिर उसका आयोजन करने का क्या उद्देश्य था, उसके लिए क्या कदम उठाए गए, फिर आयोजित करने की क्या प्रक्रिया थी, वार्षिक खेल या वार्षिक दिन आयोजित करने के लिए क्या समस्या सामने आई, हमने इसका समाधान किस प्रकार किया, और इसका स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ा, स्कूल के पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमको यहाँ पर बताना है। इसी प्रकार लास्ट जो है हमारा इसमें वो है फील्ड ट्रिप भ्रमण का आयोजन, स्कूल के द्वारा स्कूलों में बच्चों को कहीं कहीं पर घुमाने ले जाते हैं, तो उसके बारे में हमको यहाँ बताना है। जैसे हमने यहाँ पर दिया है कि मेला, ऐतिहासिक समारोह, ये कुछ पॉइंट्स है कि हम इनमें से कहाँ पर ले गए हैं, तो आप यहाँ पर ले गए, आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। आपके आपकी मदद के लिए हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो पेज दिया है इस पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको पढ़ के मदद ले सकते हैं। फील्ड ट्रिप भ्रमण के आयोजन के लिए क्या प्रारंभिक गतिविधियां थी, आयोजन के क्या उद्देश्य थे, उसमें क्या कदम उठाए गए, उसके लिए क्या प्रक्रिया थी, हमने उसका क्या समाधान किया, इसी प्रकार के जो पॉइंट्स हैं हम इसको लिख लेंगे, इस प्रकार कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने हमारा पूरा प्रयास है कि आपकी मदद की जाए,
तो हमने आप अपनी तरफ से मदद कर दी है। आपको इस पर कोई सुझाव देना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, आप यदि आपको चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आई, आपके लगता है कि आपकी इससे आपको कोई मदद मिली है, तो आप चैनल को हेल्पिंग आइडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।